न्यूज 24 की खास सीरीज कितने अमीर हैं नेताजी में आपका स्वागत है। चलिए इस वीडियो में आपको पीलीभीत से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जितिन प्रसाद की संपत्ति के बारे में बताते हैं कि जितिन प्रसाद कितने अमीर हैं और साथ ही उनकी पत्नी नेहा के पास कितना पैसा है, क्योंकि जितिन प्रसाद यूपी बीजेपी में सबसे बड़े ब्राह्मण चेहरों में से एक माने जाते हैं। कभी कांग्रेस के नेता हुआ करते थे, लेकिन लंबे समय से अब वो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति कर रहे हैं। यूपी की योगी सरकार में मंत्री भी रहे और अब भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें पीलीभीत से अपना लोकसभा उम्मीदवार बना दिया है। चलिए आपको बताते हैं कि जितिन प्रसाद कितने अमीर हैं। बैंक बैलेंस की बात की जाए तो बहुत सारे खाते हैं और उन खातों में 1,13,00,000 रुपये कुल जमा है। मतलब बैंक अकाउंट की अगर बात की जाए, बैंक बैलेंस की बात की जाए, तो 1.13 करोड़ रुपए जितिन प्रसाद के अकाउंट में जमा है। कैश की बात की जाए तो जो उन्होंने चुनावी हलफनामा दायर किया है, 50,000 रुपए उन्होंने अपना दिखाया है कि उनके पास बस 50,000 रुपए कैश के तौर पर मौजूद है। उन्होंने तमाम, जैसे शेयर मार्केट हो गया और तमाम बॉन्ड में मिला करके, कुल 3,47,00,000 रुपए से अधिक का निवेश किया है। तो मतलब अगर देखा जाए तो जितिन प्रसाद ने निवेश भी ठीक ठाक ही किया है और 3,47,00,000 रुपए लगभग उन्होंने निवेश किया है। अगर बात की जाए कि उनके पास और क्या क्या चीज़ें हैं, तो उनके पास पिस्टल है 22 बोर की। बड़े नेता हैं लेकिन उन्होंने पिस्टल भी रखा है, जिसकी कीमत जितिन प्रसाद ने 1,00,000 रुपए बताई है। इसके अलावा एक और गन है जो है 0.12 बोर की है, ठीक है, 0.12 बोर की एक और गन है जितिन प्रसाद के पास, जिसकी कीमत 65,000 रुपये है। इसके अलावा एक चाकू भी जितिन प्रसाद ने रखा है, तेज धार वाली कटार है और उसकी कीमत 25,000 रुपये है। और ये जो तेज धार चाकू है उसको जितिन प्रसाद ने जर्मनी से मंगाया था। मतलब इस चाकू की कीमत जो है 25,000 रुपये है और इन्होंने जर्मनी से इसको मंगाया है। तेज धार कटार है, चाकू है। वाहन की बात की जाए तो अर्टिगा है, जिसकी करंट वैल्यू जो है वो 5,50,000 रुपए के आसपास है। तो देखा जाए तो जितिन प्रसाद के पास बैंक बैलेंस भी है, कैश भी है, निवेश भी कर रखा है, पिस्टल भी रखी है, तेज धार कटार भी रखी है और वाहन भी है जितिन प्रसाद के पास। तो ये चल संपत्ति है। इसकी जो ओवरऑल वैल्यू मिला करके होती है वो 5 करोड़ से अधिक होती है। तो चल संपत्ति के अगर मालिक के तौर पर देखा जाए तो जितिन प्रसाद 5 करोड़ रुपए से अधिक की चल संपत्ति के मालिक हैं। अब बात करते हैं अचल संपत्ति की, कि जमीन कितना है और मकान, फ्लैट, दुकान ये सब कितने हैं। तो 4.97 एकड़ की जमीन है, कृषि योग्य जमीन है, जिसकी करंट वैल्यू जितिन प्रसाद ने 3 करोड़ रुपए अपने चुनावी हलफनामे में बताई है। इसके अलावा मकान है, फ्लैट है, दुकान है, ये यूपी की तमाम जगहों पर, लखनऊ में भी है और तमाम जगहों पर है, जिसकी कुल वैल्यू 16 करोड़ रुपए है। तो कुल अचल संपत्ति की अगर बात की जाए तो 19 करोड़ रुपए जो है जितिन प्रसाद के पास कुल अचल संपत्ति है। तो ओवरऑल अगर मिला लीजिए, चल और अचल को मिला करके, तो 24 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति के मालिक है पीलीभीत से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जितिन प्रसाद। चलिए अब बात करते हैं इनकी पत्नी नेहा जो है वो कितनी अमीर है, क्योंकि पति और पत्नी का जो भी कमाई होता है, जो भी इनकम होता है और जो भी संपत्ति होती है चुनावी हलफनामे में उसको दिखाना होता है। तो इनकी पत्नी नेहा है, इनके बैंक बैलेंस की बात की जाए तो 5,67,000 रुपये इनका बैंक बैलेंस है। पति की तरह ही इनके पास कैश के तौर पर 50,000 रुपये है। इन्होंने भी 3,15,00,000 रुपये से अधिक का निवेश कर रखा है। ये तमाम जो निवेश है वो शेयर मार्केट में है, बॉन्ड में है और तमाम पॉलिसी इन्होंने खरीद रखी है, जिसका कुल वैल्यू जो है वो 3,15,00,000 रुपये से अधिक है। आभूषण की बात की जाए, मतलब जेवर जेवरात की बात की जाए, जिसमें सोने चांदी और तमाम आभूषण आते हैं, उसकी जो कुल कीमत है वो 1,43,00,000 रुपए से अधिक की है। और साथ साथ इनकी पत्नी के पास भी पिस्टल है, हथियार है। पत्नी के पास अगर हथियारों की बात की जाए तो 22 बोर की राइफल है, जिसकी कीमत 50,000 रुपए है और पति की तरह ही इनके पास भी 0.12 बोर की गन है, जिसकी वैल्यू 65,000 रुपए है। तो देखा जाए जितिन प्रसाद की तरह ही उनकी पत्नी नेहा के पास भी बैंक बैलेंस है, कैश है, इन्होंने निवेश भी कर रखा है, आभूषण है जो कि 1,43,00,000 रुपए से अधिक की कीमत का है, इन्होंने राइफल भी रखी है और साथ साथ में गन भी रखी है। चलिए और बात कर लेते हैं अचल संपत्ति की, अगर बात कर ली जाए तो जमीन भी है,
0.5 हेक्टेयर जमीन है, ये लखनऊ में जमीन है और इसकी कीमत जो है वो 4 करोड़ रुपए है। और खास बात यह है कि इस जमीन को इनके पति जितिन प्रसाद ने इनको उपहार के तौर पर दिया था, यानी गिफ्ट किया था, और इसकी कीमत 4 करोड़ रुपए है। और सबसे बड़ी बात है कि इनके बेटा और बेटी जो हैं, एक बेटा और एक बेटी हैं जितिन प्रसाद और नेहा के, बेटे का नाम जनव है, उसके पास कुल 6,21,000 रुपए की संपत्ति है, बेटी जनन्या के पास 7,20,000 रुपए की संपत्ति है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो जितिन प्रसाद की पत्नी के पास चल संपत्ति की बात करेंगे वो तकरीबन 4,68,00,000 रुपए के आसपास है, अचल संपत्ति के तौर पर इनके पास 4 करोड़ रुपए की जमीन है। तो ओवरऑल देखिए आपकी लगभग 9 करोड़ रुपए के आसपास की संपत्ति जितिन प्रसाद की पत्नी नेहा के पास भी है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।